सवाल है, कुछ लोग सत्संग करवाना चाहते हैं, सत्संग करवाने के नियम क्या हैं, क्या करना होगा सत्संग करवाने के लिए? देखो, सत्संग तो कोई इतने खास नियम नहीं होते सत्संग करवाने के। आप हमारे सत्संग सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, और आप अपने घर में हमारा सत्संग करवाना चाहते हो या अपने शहर में सत्संग करवाना चाहते हो, ये और अच्छी बात है। असल में यही हमारा उद्देश्य है, मनुष्य चोले का यही उद्देश्य है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको और भी बांटो, इतना इम्पोर्टेंट है। और अगर इस चोले में हमने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, जीते जी मुक्ति को, या मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं है, ना तो किसी ने आके बताया आज तक कि मैं मुक्त हुआ, और ना ही कोई बताने वाला है कि मैं मुक्त हूँ। यहाँ जीते जी अनुभव होता है, यानी कि निज घर आपको जीते जी मिलेगा, उसकी अनुभूति आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैंने शरीर छोड़ के कहाँ रहना है। उस घर को अच्छी तरह परख लेना है, अगर उस घर में आनंद ही आनंद है तब तो आप रहो वहाँ पे। अगर आपको उस घर में आनंद नहीं मिल रहा है जो गुरु बता रहा है, तो आप उस घर में रहने की आस भी छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर धक्के खाते हुए वापस आओगे। तो निज आनंद जो है, निज नाम है, उसका ज्ञान अच्छी तरह समझ लो, उसी से कल्याण होगा। सत्संग कराने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे बाकी महात्मा अपनी एक फिक्स फीस रख देते हैं, रेट बना देते हैं अपना, कि ये 50,000 में सत्संग करेंगे जी, 40,000 में करेंगे जी, लाख रुपए में करेंगे सत्संग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी श्रद्धा है, आप सत्संग करवाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, जरूर आएंगे। लेकिन जब हमारा टूर बन रहा होता है जिस साइड का, हम उसी साइड उन्हीं तारीखों में सत्संग रखते हैं, ताकि आपको अलग से कोई खर्चा ना करना पड़े। अब इतनी दूर से बुलाओगे आप, 1,000 किलोमीटर से, तो आने जाने का खर्चा तो एक्स्ट्रा होता ही है, कोई कार में भी जाए, कोई कैसे भी जाए। तो जब हमारा सत्संग होता है जिन राज्यों में, उन उन राज्यों में ही, उन्हीं आसपास की तारीखों में आपका सत्संग फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन कोई स्पेशल सत्संग कराना चाहता है कि जी मैंने इसी तारीख को कराना है, कोई ऐसा प्रोग्राम है किसी, अपना निज नाम। तो सत्संग कराने के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको कुछ पैसे वैसे खर्चने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो हमारा प्रचार होता है, जैसे हमारा टीवी में प्रचार आने वाला है, या हमारे जैसे हमारा डेली रूटीन में कार में पेट्रोल डलवाना है, उसमें आप अपनी इच्छा से सेवा कर सकते हैं। जैसे आपके घर हम फ्री आए हैं, फ्री पहुंचे हैं, बिना कुछ डिमांड किए, ऐसे ही आपके द्वारा जो सेवा की गई है, उससे हम किसी और के घर पहुंच जाएंगे बिना उससे डिमांड किए। तो आप सेवा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है, आप कितनी सेवा करना चाहते हैं, इसमें कोई बंधन है ही नहीं। बंधन से छुड़ाने आए हैं, बंधन में डालने नहीं आए हैं आप लोगों को, ये आपकी मौज है।